धन्यवाद मेरे साथियों। जब मैं पूर्वांचल में चलता हूं तो मैं जहां भी जाता हूं एक बार नारा जरूर लगवाता हूं। एक बार जोर से इतना नारा लगाइएगा कि पूरे प्रयागराज नहीं मोदी जी के योगी जी के कान में गूंज जाए। नाम लूंगा तो समय मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे साथियों, हम चलते हैं उस कारवां की तरफ जब हमारा समाज उस समय सन 75-76 सालों से जब वोट करता चलाया था तब हमारे समाज की आज भी कहीं गिरती, आज भी हमारे समाज की कहीं गिरती नहीं है। वो चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आज भी केवल वोट लेने का काम किया मेरे साथियों, लेकिन आज भी हमारे अधिकार को वैसा ही वंचित करके रखा हुआ है मेरे साथियों। आज बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जब हमारे पास केवल मिट्टी का चाक चाक केवल वितरण करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथियों बता दीजिए क्या चाक बांटने से हमारे समाज का विकास हो जाएगा? चाक बांटने से मेरे समाज का विकास होगा? नहीं होगा मेरे साथियों। जब तक मेरे लिए मिट्टी की व्यवस्था नहीं होगी और जब तक भूमि आवंटन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा मेरे साथियों। राजभर समाज आज
सीएम बनने का सपना देख रही है, तो क्या मैं 6% का 6% की हमारी आबादी क्या आप सीएम नहीं बना सकते मेरे साथियों? हमारे समाज का भी डॉक्टर आई एस पी सी एस इंजीनियर बनेगा और हमारे समाज का लीडर जब तक आपके समाज में प्रधान नहीं होगा, आपका विदेशी नहीं होगा, आपका जिला पंचायत और एम पी एम एल ए विधायक नहीं होगा, हमारे समाज की बात ऐसे की ऐसी पड़ी रहेगी मेरे साथियों। और मैंने कसम खा लिया है पूरे उत्तर प्रदेश में अपने जब तक समाज में प्रधान जिला पंचायत विधायक और एम पी एम एल ए सांसद में पैदा कर दूं तब तक चार की नींद नहीं लूंगा मेरे साथियों। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और जैसे एससी समाज के लिए ओबीसी समाज के लिए आपने मिट्टी की व्यवस्था बनाई है उसी तरह हमारी सरकार भागीदारी बनेगी। तो मैं देवेंद्र कुमार प्रजापति पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष चौड़े का निवासी बनारस का साथी हूं। मैं वैसे ही अपने समाज का भी वैसे समाज में सर्वे करा करके अपने समाज का भी जो है भूमि आवंटन कराने का काम करूंगा मेरे साथी। आज बताइए आज हमारे समाज का यशस्वी समाज का नेता मायावती जी, यादव समाज का नेता आपके अखिलेश यादव यहाँ गुलाम सिंह और हमारे अन्य समाज के पार्टियों में वो तमाम लोग हैं मेरे साथियों। आज बता दीजिए हमारे समाज का भी कोई नेता है? कोई नेता नहीं है। और जिसने अपने समाज का नेता नहीं माना उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता है मेरे साथियों। इसलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी को नेता माना है, अगर कोई हमारा अगुवाई करेगा, अगर कोई हमारे समाज की लड़ाई लड़ेगा और समाज का ही नहीं हर समाज की लड़ाई लड़ने आऊंगा मेरे साथियों। और वो अगर कोई लड़ सकता है तो आपके बीच में